वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है 12.6 वॉल्यूम H2O2 है अपने पास। इस H2O2 का रिएक्शन हम लोग एक्सेस ऑफ KI से करवाए तो हम लोग को I2 और KOH मिलेगा। इसको जरा बैलेंस कर लेते हैं। फादर बोला है ये जो आयोडीन है इसको हम लोग रिएक्ट करा है हाइपो से Na2H2O3 से, तो हम लोग को मिलता है इसका रिएक्शन होता है Na2S4O6 प्लस 2NaI। देखो ये रिएक्शन थोड़ा याद रखना होता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस यूज्ड, ये मैक्सिमम वॉल्यूम कब यूज होगा, जब ये मैक्सिमम लिबरेट होगा। ये मैक्सिमम कब लिबरेट होगा, जब ये मैक्सिमम अमाउंट यूज करेंगे। इसका कंसंट्रेशन बता दिया है बट इसका वॉल्यूम नहीं बताया है। ये कंप्रिहेंशन क्वेश्चन का पार्ट है। देखो क्या बोला है कि हम लोग को ये मैक्सिमम लगना है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ना उस सॉल्यूशन का यूज करके ये मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग प्रिपेयर करेंगे। क्लियर है ये? तो इसका मोलारिटी क्या हो गया, 12.6/11.2 कैपिटल M। और अपने पास दो बीकर पहले से है, एक बीकर क्या है 2.8 भी है और एक बीकर क्या है 16.8 भी है। ये भी 2 लीटर है और ये भी 2 लीटर है और वाटर भी है। देखो यहाँ वाटर यूज नहीं होगा, इन दोनों को कंप्लीटली यूज कर लेंगे, कंसंट्रेशन इससे कम आ जाएगा। तो मींस हम लोग ये पूरा यूज करेंगे और ये पार्शियल यूज करेंगे। प्रीवियस क्वेश्चन में ही बता दिए थे कि वाटर तभी यूज होगा जब इन दोनों का मिलाकर जो फाइनल कंसंट्रेशन आएगा दैट विल बी मोर देन रिक्वायर्ड। बट यहाँ आप करके देखिएगा, फाइनल कंसंट्रेशन विल बी लेस देन रिक्वायर्ड। तो ये पूरा यूज कीजिए, ये पार्शियल यूज कीजिए और उसको इसके बराबर चाहिए। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा ये कंप्लीट यूज होगा 16.8/11.2 कैपिटल M हो गया हमारा, 2 लीटर प्लस 2.8/11.2 इंटू वी लीटर। दिस शुड बी इक्वल टू 12.6/11.2 इंटू वी प्लस 2। ठीक है, अब हम लोग वी के लिए सॉल्व करेंगे। हमारा वी अगर इसको कैलकुलेट अच्छे से करेंगे तो हमारा वी आएगा 6/7 लीटर। तो इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ दिस यूज्ड इक्वल्स टू 6/7 लीटर। देखो ये पूरा 2 लीटर यूज होगा और ये पार्शियल यूज होगा, तो अपना इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 2 लीटर प्लस पार्शियल यूज्ड। तो वी फाइनल विल बी इक्वल टू 6/7 प्लस 2 लीटर, 20/7 लीटर। सो दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू 20/7 लीटर। नाउ हम लोग को इसका वॉल्यूम पता है, इसका कंसंट्रेशन पता है, तो I2 लिबरेटेड निकाल सकते हैं ना। तो ये कितना मोल कंज्यूम होगा, वो इतना ही प्रोड्यूस होगा। मैंने रिएक्शन को प्रॉपर बैलेंस किया है। अमाउंट कंज्यूम शुड बी इक्वल टू अमाउंट प्रोड्यूस। ये अमाउंट कंज्यूम कितना है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। सो लेट्स से ये अपना एक्स मोल रिएक्ट किया तो ये कितना प्रोड्यूस होगा, एक्स मोल। और अगर ये एक्स प्रोड्यूस होगा तो ये कितना कंज्यूम होगा, एक्स मोल। अगर ये एक्स मोल कंज्यूम होगा तो ये कितना कंज्यूम होगा, दिस विल बी 2x मोल। क्लियर है ये? तो नाउ दिस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम 20/7, 2 इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू मोलारिटी ऑफ हाइपो इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइपो। मोलारिटी ऑफ हाइपो इज 9/7 इंटू वॉल्यूम ऑफ हाइपो। इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, इम्प्लाइज दैट आएगा V इज इक्वल टू 5 लीटर। देखो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ठीक है,
थैंक यू।